गाइस, अगर आपके पास दो तीन फेसबुक अकाउंट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक को अपना पर्सनल अकाउंट बनाकर बाकी फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने फेसबुक आईडी को परमानेंटली कैसे डिलीट करें। अगर आपको उस फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता है तो पर भी आप उसे डिलीट कर पाएंगे, पासवर्ड पता नहीं है फिर भी आप उसे रिमूव कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। मैं आपको दोनों स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से अपने फेसबुक आईडी को रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका डिस्किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने फेसबुक को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, जो फेसबुक की सेटिंग होगी हमेशा फेरबदल होते रहती है। और अभी मैं जो आपको सेटिंग बताऊंगा, हो सकता है ये सेटिंग ऊपर नीचे कहीं पर हो जाए। इससे बेटर कि आप सबसे पहले अपने फेसबुक को जो फेसबुक एप्लीकेशन उसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपडेट करने के बाद आपको अपने फेसबुक ओपन करनी है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको जो कोने में तीन लाइन मिलती है इस पर आपको क्लिक करना, देख सकते हैं मेरे माउस को एरो को देखिए आप, यहाँ पर कोने में जो तीन लाइन मिलती है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आनी, नीचे आने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी, देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग, देख सकते हैं सेटिंग, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है इस तरीके से। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। आपको यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी कन्फर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, जो फेसबुक अकाउंट है उसे परमानेंटली बंद करनी है, डिलीट करनी है। तो यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप इन कंट्रोल पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरियलाइजेशन सेटिंग और डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो यहाँ पर आपका जो फेसबुक अकाउंट आप उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, हालांकि आप उसे बाद में एक्टिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं डिलीट का कि परमानेंटली हम उसे डिलीट कैसे करें, रिमूव कैसे करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है सेकेंड वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेगा, डीएक्टिव अकाउंट और डिलीट अकाउंट। यहाँ पर डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिव करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना इस तरीके से। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू अकाउंट पर क्लिक करना इस तरीके से। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ रीज़न देनी है कि आखिर आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, आखिर रीज़न क्या है आपको अपने जो अकाउंट है इसे डिलीट करने का। तो आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर आपका रीज़न आप उसे चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई अकाउंट हैज़ हैकड, यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है। आप ये रीज़न दे सकते हैं, या फिर आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मैंने बहुत टाइम बिता चुका है फेसबुक पर, आप इसे भी रीज़न दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे ही चूज़ कर लेता हूँ। इस तरीके से चूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड डालते ही आपका अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने अपने फेसबुक पर टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया है तो यहाँ पर एक ओटीपी भी आपके पास आ सकती है, जिसके बाद जो आपका अकाउंट है डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास जो आपका फेसबुक अकाउंट के जो पासवर्ड आपको नहीं पता, आप उसे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट आपका ही है, तो उस अकाउंट को कैसे डिलीट करें, मतलब अब जो अकाउंट हमारे पास नहीं है उसे कैसे डिलीट करें, इसके ऊपर मैंने डेडिकेट एक वीडियो बना चुका है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप दोनों में से कहीं पर भी जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और उस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने जो फेसबुक अकाउंट है जिसका पासवर्ड आपको नहीं पता उस आईडी को भी डिलीट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से फ्रेंड्स। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबाओ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपके मैसेज की रिप्लाई जरूर से करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप पटेल 72, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूं, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो बने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।